इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान का सबसे खतरनाक सीरियल किलर, जिसने की थी 100 बच्चों की हत्या और उसको मिली थी रूह कपा देने वाली सजा। पाकिस्तान में एक ऐसा सीरियल किलर था, सबसे क्रूर और सबसे खतरनाक माना जाता है। इस सीरियल किलर ने 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस हत्यारे के नाम से पूरी दुनिया कांपती है। इसका नाम जावेद इकबाल है। जावेद इकबाल ने पाकिस्तान में 100 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने 100 बच्चों से न एक कम न ही एक अधिक बच्चों को मारा। इन मासूम बच्चों को मारने के बाद में इस व्यक्ति ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। दिसंबर 1999 में लाहौर के एक उर्दू अखबार के संपादक को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों की हत्या की है और उनके शरीर को तेजाब से गला करके घोंट दिया है। उसने पत्र में यह भी बताया कि उसने जिन बच्चों की हत्या की उनमें से ज्यादातर बच्चे अनाथ थे। उसने लाहौर पुलिस को भी इस तरह का एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया था और उसने उस जगह के बारे में भी बताया था जहां उसने बेगुनाह बच्चों को मौत के घाट उतारा था। हालांकि पुलिस ने इस व्यक्ति के पत्र को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उस अखबार के संपादक ने लिया और अपने एक रिपोर्टर को उस बताए पते पर भेजा। जब पत्रकार वहां गया तो घर के अंदर खून के निशान थे। दो बड़े बैग में बच्चों के जूते और कपड़े भरे हुए थे। इतना ही नहीं, वहां पर एक डायरी भी थी जिसमें बच्चों के नाम और उनके बारे में जानकारी लिखी हुई थी। वहीं घर के बाहर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरे दो कंटेनर थे जिनमें बच्चों की हड्डियों को रखा गया था। यह सब देखने के बाद पत्रकार तुरंत अपने कार्यालय पहुंचा और उसने संपादक को सारी बातें बताई। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम जावेद इकबाल के ठिकाने पर पहुंची, जहां उसने हत्या के सभी सबूत बरामद कर लिए। इसके अलावा पुलिस को एक नोटबुक भी मिली, जिसमें से चिट्ठी में सारी बातें लिखी हुई थी और यह भी लिखा था कि हत्या के सबूत के तौर पर मैंने कुछ लाशें छोड़ी थी जो मुझे नहीं मिली। उन्होंने नोटबुक में लिखा कि मैं रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया और रावी नदी के कोने कोने की तलाशी ली, लेकिन जावेद का शव कहीं नहीं मिला। यह पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा खोज अभियान था। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने जावेद के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ शुरू की, लेकिन पूछताछ के दौरान उनमें से एक ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसी दौरान जावेद उसी उर्दू अखबार के संपादक के कार्यालय पहुंचा और वहां उसने पहले पत्र भेजा था। जावेद ने संपादक से मुलाकात की और एक इंटरव्यू के लिए कहा। इंटरव्यू खत्म होने के बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने जब जावेद से पूछताछ शुरू की तो उसने जो कहा उसे सुनकर के सभी लोग हैरान रह गए। पुलिस पूछताछ के दौरान जावेद ने बताया कि जब वह 20 साल का था तो उसे बलात्कार के आरोप के बाद में जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसने वह अपराध नहीं किया था और उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया था। इसी दौरान उनकी मां हमेशा जेल में उनसे मिलने जाया करती थी, लेकिन एक दिन बेटे की रिहाई के इंतजार में उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्होंने कसम खाई कि जैसे उनकी मां ने रोते हुए अपनी जान गंवा दी वैसे ही 100 माएं रोएंगी। उसके बाद उसने उनको मारने का सिलसिला शुरू किया। जावेद को अक्टूबर 2001 में फांसी की सजा दी गई। हालांकि पहले जावेद को ऐसी सजा मिली थी कि उसके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। जज ने जावेद को 100 बच्चों को मारने के जुर्म में 100 बार गला घोंटकर मारने, फिर उसके शरीर के 100 टुकड़े छोटे छोटे 100 टुकड़े करने और उसे एसिड में जला देने की बात कही थी, लेकिन दुनिया भर के कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद जावेद को फांसी की सजा मिली। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।